This conference will now be recorded. थोड़ी सी लो है, वॉइस क्वालिटी नॉट गुड। अच्छा, एक सेकंड पर बोल सकते हैं, मैं एक कोशिश एडजस्टमेंट कर देता हूँ। शायद आपको आवाज़ क्लियर अच्छा, अब मेरी आवाज सही आ रही होगी। यस सर। है लड़को? जी सर, ठीक आ रही है। तो जनाब, हम लोगों ने यूनिट वन किया, यूनिट टू किया, फोर किया और फाइव किया। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि चैप्टर नंबर वन को हम लोग दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई साहब, चैप्टर नंबर वन में दो चीजें हैं। एक है हमारे पास आईएसए 200 एंड उसके साथ कुछ बेसिक एरिया, और फिर है हमारे पास कंपनीज एक्ट का एरिया। इस एरिया में से हम लोगों ने बात की थी कि आईकैप स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चंस बनाता है, और कंपनीज एक्ट में से वो दो तरह के सवाल बनाता है। कुछ एरिया यहाँ पर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, उसको आज हम लोग इंशाल्लाह ताला इस क्लास के अंदर वाइंड अप कर लेंगे, आसान सा एरिया। और कंपनीज एक्ट का एक और एरिया है जो कि डील करता है ऑन क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। तो एक तो ये हमारे पास एरिया है और एक ये एरिया है स्ट्रेट फॉरवर्ड सा। तो जनाब, आज हम लोग कुछ स्ट्रेट स्ट्रेट सी बातें कवर अप करेंगे। कुछ वो सवाल जो आप लोग मेरे से शुरू में पूछ रहे थे और मैं आप लोगों को कह रहा था कि यार इसको आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे, आज हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 246 जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, आपको ये सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर रेफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। आईकैप कभी भी ये नहीं कहेगा कि बताएं सेक्शन नंबर 246 में अपॉइंटमेंट से मुताल्लिक क्या बात हुई है। तो आपने जस्ट इसकी हेडिंग को याद रखना है, सेक्शन नंबर को याद करने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक ऑडिटर अपॉइंट कब होता है। यह देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑडिटर कौन होता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन होता है और कैजुअल वैकेंसी किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑडिटर वो ऑडिटर होता है जो कि कंपनी का पहला पहला ऑडिटर हो। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो इनकॉर्पोरेशन के 90 डेज के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन के 90 डेज के अंदर अंदर कंपनी के डायरेक्टर्स ने कंपनी का पहला पहला ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। और ये अपॉइंट कब तक होता है? ये अपॉइंट होता है जनाब टिल फर्स्ट एजीएम। तो पहली पहली एजीएम के लिए कंपनी का पहला पहला डायरेक्टर ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, और अपॉइंट उन्होंने इनकॉर्पोरेशन के 90 डेज के अंदर अंदर कर लेना होता है। इनकॉर्पोरेशन क्या है? इनकॉर्पोरेशन ये है कि वो दिन जब आपको एसईसीपी कह दे कि आपकी कंपनी अब रजिस्टर हो चुकी है और आपको एक सर्टिफिकेट दे दे कि ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इस तारीख से आपकी कंपनी मर्ज वजूद में आ चुकी है। तो उसके 90 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के डायरेक्टर्स ने पहला पहला ऑडिटर अपॉइंट करना है। और इसकी टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगी, यानी कि ये कितने टाइम के लिए ऑडिटर रहेगा, ये टिल फर्स्ट एजीएम तक ऑडिटर रहेगा। एजीएम का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, इसको हम कहते हैं दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग। एक ऐसी बड़ी मीटिंग जहां पर
कंपनी के बहुत सारे फैसले होते हैं साल के एंड के ऊपर, तो पहला पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, डायरेक्टर कब इनकॉर्पोरेशन के 90 डेज के अंदर और कब तक रहेगा ये बरकरार टिल फर्स्ट एजीएम। फिर आते हैं ऑन सबसिक्वेंट ऑडिटर, पहले ऑडिटर के बाद कंपनी का दूसरा ऑडिटर, तीसरा ऑडिटर, चौथा ऑडिटर, पांचवा ऑडिटर एंड द गेम गोज ऑन, उसको हम लोग एक नाम से पुकारते हैं दैट इज सबसिक्वेंट ऑडिटर। तीसरा ऑडिटर रिटायर हुआ, चौथा ऑडिटर रिटायर हुआ और उसके बाद जो नया ऑडिटर अपॉइंट होगा उसको हम लोग सबसिक्वेंट ऑडिटर कह के बुलाते हैं। आवाज का इशू मुझे एक रिपोर्ट किया गया है, क्या सबको ये इशू आ रहा है आवाज का? ठीक है, इसका मतलब है कि फिर उन भाई साहब की अपने साइड के ऊपर एक इशू है। तो सबसिक्वेंट ऑडिटर को कब अपॉइंट किया जाएगा? ऑब्वियसली एजीएम पर, क्योंकि जिस एजीएम पे पिछला वाला ऑडिटर रिटायर हो रहा है उसी टाइम उसी एजीएम में नया वाला भी अपॉइंट किया जाता है। और इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको कंपनी के मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, किसकी रिकमेंडेशन पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। आपने बस ये याद रख लेना है कि सबसिक्वेंट ऑडिटर को कंपनी के मेंबर्स अपॉइंट करते हैं और इसकी टर्म ऑफ ऑफिस क्या होती है? टिल नेक्स्ट एजीएम, यानी कि एक एजीएम से लेके दूसरी एजीएम तक इसकी जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो रहती है। फिर जब दूसरी एजीएम होगी उसके ऊपर भी सेम प्रोसेस चलेगा, एक और सब्सिक्वेंट अपॉइंट होगा, पिछला वाला रिमूव हो जाएगा, उसको भी मेंबर्स लेकर आएंगे और ये भी टिल नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा। अब बात कर लेते हैं ऑन कैजुअल वैकेंसी, ये क्या बला होती है? कैजुअल वैकेंसी है किसी ऐसी कोई ऐसी रीजन जिसकी वजह से एक ऑडिटर वो ऑडिट छोड़कर चला जाए। फॉर एग्जाम्पल उसकी मौत वा क्या हो जाए, फॉर एग्जाम्पल उसको कंपनी निकाल दे, फॉर एग्जाम्पल वो डिस्कालीफाई हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एससीसीपी उसको ऑडिट करने से मना कर दे, व्हाट्सो एवर द केसेस। अगर तो कोई कैजुअल वैकेंसी होती है, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आती है जिसकी बेस के ऊपर वो ऑडिटर आगे फर्दर अपना ऑडिट कैरी ऑन नहीं कर सकता, तो उस वैकेंसी के 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के डायरेक्टर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो नया ऑडिटर अपॉइंट करें। और उसकी भी मुद्दत कब तक होगी? अगली आने वाली एजीएम तक। फॉर एग्जाम्पल एजीएम से 3 माह पहले कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई और अब डायरेक्टर्स ने 30 दिनों के अंदर अंदर एक नया ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो उसकी जो टर्म ऑफ ऑफिस होगी वो टिल नेक्स्ट एजीएम तक ही रहेगी, यानी कि वो अगले 2 से 3 माह के लिए ही ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, उसके बाद नहीं जाएगा। क्या ये चीज सबको क्लियर है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बातें? यस सर। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बातें क्या सबको क्लियर हुई? सर ये इंटरनल ऑडिटर है या एक्सटर्नल? ठीक है, तो जनाब लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे देखते हैं क्या है हमारे लिए। आगे जनाब वो ये कहता है कि ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है बिफोर कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। हमने यहां पर बात की कि एक ऑडिटर कब तक अपॉइंट किया जाता है, टिल नेक्स्ट एजीएम, टिल नेक्स्ट एजीएम, मगर उसको रिमूव भी किया जा सकता है बिफोर कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। और अगर आप सब लॉ पढ़ के आए हुए हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जनाब मीटिंग के अंदर बैठे हुए लोगों को ये हक देना कि वो वोट करें और उनमें से 75% मेजोरिटी अगर कह दे, अगर उनमें से 75% मेजोरिटी इस हक में वोट दे दे कि ऑडिटर को रिमूव किया जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक स्पेशल रेजोल्यूशन है। अगेन दो चीजें याद रखनी है कि सारे मेंबर्स काउंट नहीं होते, सिर्फ वही मेंबर्स काउंट होते हैं जो कि मीटिंग के अंदर बैठे होते हैं, चाहे वो खुद हो या चाहे उन्होंने कोई प्रॉक्सीज अपॉइंट की हो या चाहे वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस हो,
व्हाट्स एवर द केसेस, हम लोग उन्हीं लोगों को लेकर चलते हैं जो जो लोग उस टाइम के ऊपर मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं. तो एक ऑडिटर को बिफोर कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम रिमूव किया जा सकता है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. अब सवाल ये है कि अगर कंपनी के डायरेक्टर्स को ये पता चल जाए कि ये ऑडिटर हमारा फ्रॉड डिटेक्ट कर लेगा, तो ऑब्वियसली उनको टेंशन लग जाएगी कि ये तो हमें जो है वो बदनाम कर देगा. अब वो क्या करते हैं, वो कंपनी के मेंबर्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि हमें ये ऑडिटर को रिमूव करना है. जस्ट लाइक दिस केस के बिफोर कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम कंपनी के डायरेक्टर्स ये चाहते हैं कि मुझे ये ऑडिटर को रिमूव करना है ताकि वो मेरा फ्रॉड डिस्क्लोज ना करे. तो लॉ ने कहा ठीक है, तुम्हारे पास ये हक जरूर है कि तुम बिफोर कंक्लूजन ऑफ एजीएम एक ऑडिटर को निकाल सकते हो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, मगर याद रखना कि जो नेक्स्ट ऑडिटर होगा, जो नेक्स्ट ऑडिटर होगा वो फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि SECP खुद से अपॉइंट करेगी. इस केस के अंदर जो कंपनी का नेक्स्ट ऑडिटर होगा वो कंपनी की SECP अपॉइंट उसको करके देगी. इस केस में कोई डायरेक्टर कोई मेंबर अगला ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेगा अगर पिछले वाले को रिमूव किया गया है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. तो हम लोगों ने तीन अपॉइंटिंग अथॉरिटीज की बात की. अच्छा मुझे बताएं कि अब किसी को वॉइस का इशू तो नहीं आ रहा, मैंने डिवाइस थोड़ी सी चेंज की है. सबको वॉइस क्लियर है? सबको वॉइस क्लियर है? ठीक है. तो बेसिकली द पॉइंट इज वापस आते हैं. द पॉइंट इज के भाई साहब तीन तरह के लोग कंपनी के ऑडिटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं. नंबर वन, कंपनी के बड़े यानी कि कंपनी के डायरेक्टर्स. दूसरे, कंपनी के मेंबर्स. तीसरा, SECP. तीसरा कौन? SECP. अब पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर. कैजुअल वैकेंसी कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर. मेंबर्स सिर्फ सबसिक्वेंट ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे और SECP भी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है. क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? जी जी सर, ये इंटरनल ऑडिटर है या एक्सटर्नल ऑडिटर? अरे जालिम इंसान, एक चीज कितनी दफा रिपीट करवाओगे मुझसे? मैं बता, मैंने एक बात शुरू के दूसरे या तीसरे लेक्चर में कही थी कि हम जोन से ऑडिटर की जब भी बात करेंगे वो हमेशा एक्सटर्नल ऑडिटर होगा, वो हमेशा एक्सटर्नल ऑडिटर होगा. हम लोग इंटरनल ऑडिटर की बात नहीं करेंगे. जस्ट चैप्टर नंबर 12 में जब हम लोग एंटर होंगे वो जो 5-6 सफ़े हैं उसके, हम उसी में उसकी बात करेंगे. उसके अलावा कभी भी जब भी ऑडिटर का जिक्र होगा उसका हमेशा मतलब यही है कि हम एक्सटर्नल ऑडिटर का जिक्र कर रहे हैं. तो घबराना नहीं है, ये लोग बात करेंगे ऑडिटर की वो एक्सटर्नल ही होगा. सर, ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर होगा इसको तो ऑडिट फर्म भेजेगा ना? जी, उसको ऑडिट फर्म भेजेगी. आगे जाके बात करते हैं कि किस केस के अंदर फर्म होती है और क्या एक इंडिविजुअल पर्सन भी अपॉइंट हो सकता है या नहीं. ठीक है, आप अभी इसको ऑडिट फर्म ही कंसिडर करें. मेजॉरिटी केसेस के अंदर फर्म्स ही अपॉइंट की जाती हैं. ठीक है, ओके सर. ठीक है, तो हम लोगों ने ये बात की कि ये तीन बंदे हैं जो कि ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, डायरेक्टर, मेंबर और SECP. एंड SECP स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज, मैं नीचे लिख रहा हूँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. तो अगर आप लोगों ने लॉ का पेपर दिया है तो आपको SECP का वर्ड तो पता होना चाहिए. अच्छा, अब
अगला सवाल ये है कि भाई साहब, एसएससीपी कब कब ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है? एक एसएससीपी कब कब ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है? आईकैप को ये सवाल काफी पसंद है। जब लॉ का पेपर में ये टॉपिक होता था ऑडिटर का, तो वहां तो ये बहुत दफा पूछा करता था, मगर ऑडिट के पेपर के अंदर भी उसने ये सवाल 2 से 3 दफा पूछा है कि बताएं किन किन केसेस के अंदर एसएससीपी जो है वो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। नंबर 1, अब आपने ये सारी बातें सोचनी है। इसका आसान तरीका यह है कि आपने ये सारी बातें सोचनी है दोबारा से, और बस ये माइंड में रखना है कि अगर किस टाइम के अंदर अपॉइंट ना किया जाए तो एसएससीपी उसको अपॉइंट करे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का पहला पहला ऑडिटर अगर डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करते विदिन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो कौन अपॉइंट करेगी? एसएससीपी। फिर हम लोगों ने बात की थी कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स। तो अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स मेंबर्स ना अपॉइंट करें तो कौन अपॉइंट करेगा ईजीएम पर आकर? आपका एसएससीपी। फिर अगर कैजुअल वैकेंसी 30 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स फिल ना करें तो फिर कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? एसएससीपी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे नीचे ही बात की कि अगर एक ऑडिटर को आप रिमूव कर देते हैं बिफोर कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, तो उस केस के अंदर एसएससीपी अपॉइंट कर रही होगी। और अगर एक ऐसा ऑडिटर अपॉइंट किया जाए जो कि अनविलिंग टू एक्ट हो, उसकी कोई विलिंगनेस ना हो उस कंपनी का ऑडिट करने की, बट स्टिल उसको अगर अपॉइंट कर लिया जाए, तो फिर उस केस के अंदर एसएससीपी बीच में आती है और वो अपना ऑडिटर भेजती है उसको निकाल के। क्या ये बातें क्लियर हैं कि एसएससीपी कौन कौन से केस के अंदर ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है? नंबर 1, पहला ऑडिटर डायरेक्टर्स अपॉइंट ना करें विद इन 90 डेज। दूसरा केस, सब्सिक्वेंट ऑडिटर मेंबर्स अपॉइंट ना करें, कैजुअल वैकेंसी फिल ना हो रही हो, ऑडिटर बेचारा अनविलिंग टू एक्ट हो, या पिछला ऑडिटर को अगर रिमूव कर दिया जाए बिफोर कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, तो जो अगला ऑडिटर होता है वो एसएससीपी खुद से अपॉइंट कर रही होती है। अब अगला कॉन्सेप्ट बहुत मजे का है कि ये बताएंगे एक ऑडिटर की रेमुनरेशन कौन तय करता है, उसकी फीस वगैरह कौन तय करता है। तो लॉ ने बड़ा उसको आसान कर दिया, उसने कहा कि जो बंदा उसको अपॉइंट करेगा वही उसकी रेमुनरेशन भी फिक्स करेगा। अगर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं तो डायरेक्टर्स करेंगे फिक्स, अगर एसएससीपी अपॉइंट कर रही है तो एसएससीपी करेगी, और इन ऑल अदर केसेस मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। मगर हमें ये पता है कि हमारे पास केस ही 3 है, या डायरेक्टर या एसएससीपी या मेंबर। तो जब मेंबर्स अपॉइंट करेंगे तो उसकी रेमुनरेशन भी मेंबर्स ही फिक्स कर रहे होते हैं। इस पूरी स्लाइड पे किसी का कोई सवाल? ये सारे कॉन्सेप्ट वो हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड से कॉन्सेप्ट हैं, इसको आप क्रैम कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। सर, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये आ रही है कि एक जो ऑडिटर है जिसको ऑडिट फर्म भेजती है ऑडिट करने के लिए, उसको डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट करेंगे? तो ऑडिट फर्म को किसने अपॉइंट किया? तो सर वो कंपनी ने। कंपनी के अंदर किसने किया उसको अपॉइंट? हाँ, डायरेक्टर्स। तो फिर सवाल कितने आपका? सर, वो तो ऑडिट फर्म के पास तो काफी सारे ऑडिटर्स हो सकते हैं ना, तो वो अपनी मर्जी से। ना 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 ना, रुको 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 रुको। डायरेक्टर्स ने, देखो यहाँ पर वर्ड ऑडिटर का मतलब है ऑडिट फर्म, शायद आप इसलिए कंफ्यूज हो। जब हम ऑडिटर का वर्ड यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम लोग फर्म की बात कर रहे हैं। अब क्लियर है? यस सर, अभी क्लियर है। जब हम लोग ऑडिटर की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक ऑडिट फर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, अब कोई और सवाल इस पूरी स्लाइड के अगेंस्ट? पहला ऑडिटर, सबसिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी, एसएससीपी कब कब अपॉइंट करता है, और उसकी रेमुनरेशन कौन फिक्स कर रहा होता है? किसी का कोई और सवाल हो? और शुड आई मूव फॉरवर्ड? क्लियर सर। ओके। तो जनाब, हम लोगों ने ये बात कर ली कि ऑडिटर को कैसे कैसे। सर कैजुअल वैकेंसी अगर 30 डेज के अंदर नहीं करेगा तो भी एसएससीपी फिर इन्वॉल्व हो जाएगा सर? बिल्कुल, ये देखो
कि अगर कैजुअल वैकेंसी नॉट फिल्ड बाय डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज, तो उस केस के अंदर भी कंपनी की जो एसएससीपी होगी वो उसको अपॉइंट करेगी। एसएससीपी है जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो तो सर एससीसीपी में बेसिकली कैसे पता चलेगा कि एससीसीपी पे केस कैसे फॉरवर्ड होगा? मेंबरशिप है नहीं समझ नहीं आई सर। तो जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं ना, शेयर जी होल्डर जी मेंबर, जी वो जी जाकर एससीसीपी को कंप्लेन लॉन्च करते हैं कि भाई साहब कंपनी ने कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है, मतलब डायरेक्टर्स ने 30 दिन के अंदर अंदर नए ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया, तो बनाए कदम देखते हैं उसको नजर कदम करें अपनी। तो उस केस के थैंक यू अंदर खुद इन्वॉल्व होकर नए ऑडिटर अपॉइंट कर देती है, और ना सिर्फ अपॉइंट करती है बल्कि डायरेक्टर्स को पेनल्टी भी चार्ज कर रही है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मूविंग ऑन, अब जरा बात करते हैं हम रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर इन एजीएम। के एक एजीएम हो गई, अब कंपनी का जो ऑडिटर है उसने रिटायर होना है और दूसरे वाले ने अपॉइंट होना है, तो उसका प्रोसेस हम लोग अब समझ लेंगे। सबसे पहले वो मेंबर जिसके पास कम से कम 10% शेयर होल्डिंग है कंपनी की, वो मेंबर जिसके पास कम से कम 10% शेयर होल्डिंग है कंपनी की, वो खुद या मेंबर्स, फॉर एग्जांपल अगर 3 मेंबर्स हैं ए बी एंड सी, इसके पास 4% शेयर होल्डिंग है, इसके पास 2% शेयर होल्डिंग है और इसके पास 5% शेयर होल्डिंग है, तो ये 3 मिलके, क्योंकि जब ये 3 मिलेंगे तो इनकी कंबाइंड शेयर होल्डिंग 10% से बढ़ जाएगी। तो मेंबर अगर एक सिंगल मेंबर है उसकी 10% शेयर होल्डिंग है, या मेंबर्स कंबाइन करके अगर उनकी शेयर होल्डिंग 10% या उससे ऊपर होती है, तो वो नए ऑडिटर का नाम प्रपोज कर सकते हैं कि भाई साहब नया जो पुराना ऑडिटर है वो तो रिटायर हो जाएगा इस एजीएम पर, हम लोग जो है वो आपको इस नए ऑडिटर का नाम प्रपोज करके दे रहे हैं। मगर एक चीज उनको चेक कर लेनी चाहिए कि जब वो किसी ऑडिटर का नाम प्रपोज करें तो उसकी कंसेंट पहले ले ली गई हो, ये ना हो कि हम लोग उसकी कंसेंट के बगैर ही उसका नाम प्रपोज कर दें। फॉर एग्जांपल कंपनी का जो करंट ऑडिटर है वो है हमारे पास एक्स वाई जी एंड को, ये कंपनी के ऑडिटर्स हैं, इन्होंने इस एजीएम पर रिटायर हो जाना है। कंपनी का एक मेंबर है बिलाल, एक मेंबर है बाबर और एक मेंबर है जिब्रान, इन तीनों की कंबाइंड शेयर होल्डिंग है 12%। तो ये तीन लोग एजीएम से पहले प्रपोज कर सकते हैं कंपनी को कि भाई साहब आपका जो एक्स वाई जी एंड कंपनी ऑडिटर था, चूंकि अब उसने उस एजीएम पर रिटायर हो जाना है, तो हम लोग आपको पी क्यू आर एंड कंपनी का नाम रेकमेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेकमेंड कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं कि आप इसको भी कंसिडर करें, कि आप इसको भी कंसिडर करें। नाम देने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, नाम देने का मतलब ये है कि जस्ट उन्होंने उसको रेकमेंड किया है कि अगले साल के ऑडिट के लिए इसका नाम भी शामिल कर लें। और फिर जब एजीएम के अंदर वोटिंग होती है तो फिर जो जिस जिस फर्म को ज्यादा वोट्स वगैरह मिलते हैं तो वो ऑब्वियसली जीत जाती है। तो जनाब मेंबर्स हैविंग एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग शैल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू प्रपोज एनी ऑडिटर हुज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड। पीक्यूआर वालों का नाम देने से पहले उनकी कंसेंट हमें ले लेनी चाहिए। अब सवाल ये है कि ये मेंबर्स जो नोटिस देंगे वो कितने टाइम पहले देंगे? वो जनाब उस एजीएम से कम से कम 7 दिन पहले नोटिस देंगे कंपनी को कि हम लोग एक नए ऑडिटर का नाम प्रपोज कर रहे हैं। जैसे ही कंपनी को ये नोटिस मिलेगा कंपनी दो काम करेगी फौरन से। सबसे पहले तो वो अपनी वेबसाइट पर लगा लेगी ताकि जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के दूसरे मेंबर्स हैं, उन तक भी ये खबर पहुंच जाए।
और जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है उसको एक कॉपी उस नोटिस की भेज देगी। यानी कि जैसे ही बिलाल बाबर एंड जिब्रान ने कंपनी को नोटिस दिया 7 डेज ऑफ एजीएम से पहले कि हम लोग पीक्यूआर एंड कंपनी का नाम प्रपोज कर रहे हैं टू एक्ट एज एन ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो जैसे ही कंपनी के पास ये नोटिस आया उन्होंने ठग से उसको अपनी वेबसाइट पर लगा लिया और जो रिटायरिंग ऑडिटर है हमारे केस में एक्स वाई एंड जी उसको भी ये नोटिस फौरन से भेज दिया। फोर्थविथ का मतलब होता है फौरन। अब जो रिटायरिंग ऑडिटर होगा यानी कि जो एक्स वाई जी एन कंपनी है वो रिप्रेजेंटेशन दे सकती है, वो रिप्रेजेंटेशन दे सकती है। मैं एक स्लैंग सा जुमला यूज करूंगा यहाँ पर के भाई साहब मुझे क्यों निकाला। तो जो रिटायरिंग ऑडिटर होगा वो कंपनी की एटीएम से 2 दिन पहले कंपनी को एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर देगा और वो उसके लिए मैंडेटरी होगा कि वो एटीएम को अटेंड करे और ना सिर्फ अटेंड करे बल्कि बुलंदोबा ऊंची आवाज में अपनी रिप्रेजेंटेशन पढ़कर भी सुनाए ताकि तमाम शेयर होल्डर्स को पता चले कि पूरे साल में क्या क्या चीजें उसने फैक्ट फाइंडिंग की, क्या क्या मसले उसके सामने आए, क्या क्या चीजें उसके सामने आई, कहाँ कहाँ पर उसको जो है वो लोगों ने वर्गलाया। तो वो एक रिप्रेजेंटेशन बनाता है जिसके अंदर वो सारी अपनी भड़ास निकालता है कंपनी की एजीएम के अंदर बैठ के, मगर वो एजीएम सॉरी वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसको उस एजीएम से कम अज कम 2 दिन पहले भेजनी पड़ेगी और ना सिर्फ भेजनी पड़ेगी बल्कि उसके लिए ये लाजिम होगा कि वो खुद भी उसको अटेंड करे और उसको पढ़ के भी सुनाए। फिर कंपनी जो है वो इंटीमेट कर देगी रजिस्टर आर को कि विद इन 40 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट रिमूवल कैजुअल वैकेंसी कुछ भी हो, अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो या इवन अगर कैजुअल वैकेंसी भी क्रिएट हो रही हो तो कंपनी ने हमेशा रजिस्टर आर को विद इन 14 डेज बता देना है। इस केस के अंदर हम लोग बात करेंगे अपॉइंटमेंट के विद इन 14 डेज बता देना है। तो क्या ये प्रोसेस पूरा समझ में आया? 10% शेयर होल्डिंग उसको मैं आसान करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारी बात वही है जो कि आप लोगों ने पहले लॉ के अंदर एक दफा पढ़ी है। 10% शेयर होल्डर्स उठेंगे और कंपनी को नोटिस देंगे 7 डेज बिफोर एजीएम। जैसे ही कंपनी के पास नोटिस आएगा कंपनी 2 काम फौरन से करेगी, या तो उसको वेबसाइट पर डाल देगी और उसको वेबसाइट पर डालने के बाद रिटायरिंग ऑडिटर को भी भेज देगी और अपॉइंटमेंट के 14 डेज के अंदर अंदर उसका ये ड्यूटी होगी कि उसने रजिस्ट्रार को भी बताना है। अब अगला सवाल ये है कि क्या रिटायरिंग ऑडिटर भी अपॉइंट दोबारा से हो सकता है? द आंसर इज यस, कैन रिटायरिंग ऑडिटर बी अपॉइंटेड अगेन? यस, रिटायरिंग ऑडिटर को दोबारा से अपॉइंट किया जा सकता है अगर उसने कंसेंट आपको दे दी हो। इसीलिए तो ये रिटायरिंग ऑडिटर को फॉरन से नोटिस जाता है कि भाई साहब आप इस एजीएम में तो रिटायर हो जाएंगे, हमारे जो मेंबर्स हैं वो दूसरे वाले ऑडिटर्स को लेकर आना चाहते हैं। अगर मेंबर्स कोई और नाम ना सजेस्ट करें तो जो रिटायरिंग ऑडिटर होता है अगर वो अपने कंसेंट जाहिर कर दे तो वो दोबारा से रीअपॉइंट ऑटो पे हो जाता है। तो ये बात क्लियर हुई, ये बात सबको क्लियर हुई? यहाँ पे किसी का कोई सवाल हो तो काइंडली पूछ सकता है, किसी का भी कोई सवाल हो तो जरूर पूछे। सर ये जो शेयर होल्डर्स प्रपोजल देंगे वो जनरल मीटिंग में रिजेक्ट हो सकता है ना? दोबारा पूछना सर, ये जो शेयर होल्डर्स प्रपोजल देंगे ऑडिटर के बारे में तो वो जनरल मीटिंग में रिजेक्ट हो सकता है ना? देखो रिजेक्ट एज सच नहीं होता,
रिजेक्ट नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल तीन नाम आ गए हैं, एक आ गया ए बी सी एन कंपनी, एक आ गया हमारे पास यू पी आर एन कंपनी और एक आ गया हमारे पास बी सी डी एन कंपनी। तो अगर तीन नाम आए हैं प्रपोजल में तो अब इनके बीच में वोटिंग होगी, जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो वोटिंग करेंगे और जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है यानी कि 50% से ज़्यादा जिसको वोट मिल जाएंगे तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से वो नया वाला ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा। तो एज सच रिजेक्ट नहीं होता, वहाँ पर फिर वोटिंग करवाई जाती है एंड बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नए वाले ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया जाता है। तो हम लोगों ने क्या बात की, इस प्रोसेस को मैं दोबारा से समाप्त करूंगा कि वो मेंबर जिनके पास 10% शेयर होल्डिंग हो, सिंगल मेंबर या आपस में मिलके, वो एक नए ऑडिटर का नाम प्रपोज कर सकते हैं, मगर प्रपोज करने से पहले एक शर्त है कि उन्होंने उसकी कंसेंट ले ली हो। फिर उसके बाद वो नोटिस देंगे कंपनी की एजीएम से कम 7 दिन पहले कि हम लोग ये नया नाम प्रपोज कर रहे हैं। जैसे ही कंपनी के पास वो नोटिस आएगा वो उसको फौरन से वेबसाइट पर डाल देगी और जो कंपनी का रिटायरिंग ऑडिटर है उसको फौरन से भेज देगी। रिटायरिंग ऑडिटर जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करेगा और एजीएम से 2 दिन पहले वो कंपनी को सबमिट करवाएगा। जब एजीएम होगी तो वो उस मीटिंग का पार्ट बनेगा और उस रिप्रेजेंटेशन को सुनाएगा। फिर अपॉइंटमेंट के 14 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि हम लोगों ने नया ऑडिटर अपॉइंट किया है या पुराना ऑडिटर रिमूव किया है या कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है, व्हाटसोएवर द केसेस। जैसे ही नया ऑडिटर अपॉइंट हो या कोई ऑडिटर रिमूव हो या जब भी कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो तो ये कंपनी के ऊपर फर्ज है कि उन्होंने रजिस्ट्रार को विद इन 14 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट चीजें कम्युनिकेट कर देनी है। एक सवाल है, एक सर, अगर वो ऑडिटर उन मेंबर्स का कोई रिलेटिव हो या उससे रिलेशन हो वो भी लिस्टिंग में आएगा। ये क्वालिफिकेशन वाली बातें हम लोग कल इसके ऊपर बात करेंगे, अभी आपने जस्ट प्रोसेस समझना है कि ये चलता कैसे है प्रोसेस। अब वो कोई रिलेटिव है या वो डायरेक्टर्स का कोई जानने वाला है या व्हाटसोएवर, वो हम लोग जब क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन की बात करेंगे हम लोग उसके अंदर इसको स्टडी डिटेल में करेंगे। तो अभी जो रटे वाली चीज़ें हैं मैं वो कवर अप करवा रहा हूँ, एक तो ये प्रोसेस और इससे पहले हम लोगों ने क्या बात की थी ये अपॉइंटमेंट कौन कौन कैसे कैसे कब कब करता है। तो जब भी आई कैप का इस एरिया में से रटा पूछने को दिल करेगा वो इन्हीं एरिया के गिर्द होता है। आगे आते हैं, आगे हमारे पास आ रहे हैं ऑडिटर के कुछ राइट्स, ऑडिटर के कुछ हकूक। सबसे पहले कि उसको फ्री एक्सेस मिलनी चाहिए तमाम बुक्स एंड पेपर्स की, यानी कि जो हम लोगों ने बात की थी कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो बेचारे ऑडिटर को तमाम एक्सेस प्रोवाइड करेगी, तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देगी। तो कंपनी की ये ड्यूटी है मगर हमारे ऑडिटर का ये राइट है। फिर अगर तो ब्रांचेस हैं कंपनी की जिसका वो ऑडिट करने गया है तो उसको उसका ये हक है कि वो जो ब्रांच के रिकॉर्ड्स हैं उसके एक्सट्रैक्ट्स और कॉपीज उस तक पहुंचाई जाएं। अगर एक ब्रांच पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करती, पाकिस्तान से बाहर है, तो येट अगेन कि वो मांग सकता है कि भाई साहब उस ब्रांच के रिकॉर्ड्स मुझे इस प्रिंसिपल ऑफिस जहां पर वो बैठा हुआ है, जो हेड ऑफिस है, वहां पर मंगवा कर दें। फिर उसका ये हक है कि वो तमाम जनरल मीटिंग्स के नोटिसेस को रिसीव करे और उनको अटेंड करे। ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू बी हर्ड इन एनी जनरल मीटिंग। वो अगर कोई जनरल मीटिंग अटेंड कर रहा है तो ये उस पे तो ये उसका हक है कि उसकी आवाज भी सुनी जाए। वो अगर किसी चीज को कोई चीज रिकमेंड करना चाहता है तो ये उसका हक है कि उसकी बात सुनी जाए। फिर नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन वो इन सब लोगों से ले सकता है, किन किन से, कंपनी के डायरेक्टर से, ऑफिसर से, कंपनी के किसी भी इम्प्लॉय से, किसी ऐसे पर्सन से जो कि अकाउंटेबल हो बुक्स रखने के लिए, अकाउंट्स रखने के लिए, वाउचर्स रखने के लिए,
कंपनी की सब्सिडरी से वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, सब्सिडरी के किसी मुलाजिम से, किसी ऑफिसर से, उसके सब्सिडरी का अगर कोई और ऑडिटर है तो उससे मिलकर वो इंफॉर्मेशन ले सकता है रिगार्डिंग दैट सब्सिडरी, और कोई भी ऐसा पर्सन जो कि सब्सिडरी के लिए अकाउंट्स वगैरह को मेंटेन करता हो, तो ये उसका राइट है कि वो इन तमाम लोगों से मिलकर तमाम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर अभी तक आई के आपने कोई इतना अच्छा सवाल नहीं बनाया, बल्कि शायद बनाया ही नहीं कभी, तो इसको अगर आप एक दफा रीड आउट कर लेंगे या इसको अगर आप शॉर्ट तरीके से भी तैयार कर लेंगे तो दैट वुड बी मोर देन ठीक है। बट जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये वाला प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको आना चाहिए। और इसके साथ साथ एग्जाम फोकस्ड एक ये सवाल होता है कि भाई साहब एसएससीपी कब कब ऑडिटर को अपॉइंट करती है। राइट्स के ऊपर एक दफा दोबारा से क्विक सा रिव्यू करते हैं क्या कि वो फ्री एक्सेस करेगा बुक्स एंड पेपर्स को, ब्रांच रिकॉर्ड्स को देख लेगा, कंपनी के तमाम डायरेक्टर्स ऑफिसर्स एम्प्लॉयज से रابطہ कर सकता है, उनसे चीजें एक्सेस कर सकता है, उनसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन ले सकता है। वो पर्सन जो कि अकाउंटेबल है या जो कि होल्ड करता है कंपनी की बुक्स, उनकी अकाउंट्स, उनके वाउचर्स, उससे वो चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसी तरह से वो कंपनी के सब्सिडरी में घुसकर सब्सिडरी के एम्प्लॉयज ऑफिसर से बात कर सकता है, अगर उस सब्सिडरी का कोई और ऑडिटर है तो वो उससे रابطے में आ सकता है। फिर वो इंटाइटल है कि वो तमाम जनरल मीटिंग्स के नोटिसेस को रिसीव करे, और ना सिर्फ रिसीव करे बल्कि उनको अटेंड भी करे, और अगर वो अटेंड कर रहा है तो जो वो बात करेगा अपने बिजनेस के रिलेटेड उसको भी सुनी जाए। राइट्स के अंदर किसी का कोई सवाल? सर ये जो बुक्स का एक्सेस है ये उसको सारा साल अवेलेबल होगा या सिर्फ ऑडिट के टाइम होगा? नहीं, वो ऐसा होता है कि जब तो वो ऑडिट करने आएगा तब तो उसको कोई रोकेगा नहीं, और वो ड्यूरिंग द ईयर किसी भी टाइम भी कंपनी को कह सकता है कि मुझे ये वाली आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। क्योंकि होता ये है कि ऑडिटर आता तो आखिरी महीने में है, उसने आना तो ईयर एंड के बाद ही होता है, मगर वो उससे पीछे बैठकर पूरे ऑडिट को प्लान कर रहा होता है, जिसको हम लोगों ने याद है इंटरिम ऑडिट का नाम दिया था। तो वो जो प्लानिंग फेस होता है वो उस टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी से मांग सकता है। ठीक है, ओके सर। आगे जनाब एक और रटा, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। क्या सबसे पहले कि उसने ऑडिट को कंडक्ट करना है, शाबाश है, उसने रिपोर्ट बनानी है, उसने ओपिनियन देनी है, ये हम लोगों ने बात कर ली। फिर उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है, एजीएम के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है, रिपोर्ट में क्या क्या बातें होंगी कि उसने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, उसकी ओपिनियन के अंदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, प्रॉफिट एंड लॉस, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लोज को प्रॉपरली प्रिपेयर किया गया या नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू क्या कंपनी की रिपोर्ट दे रही है, उसकी ओपिनियन के अंदर क्या कंपनी की तमाम इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंडिचर्स जो कि कंपनी ने किए हैं वो सही तरीके से हैं, और क्या वो बिजनेस के पर्पस के लिए हैं या नहीं, इसको चेक करना, ज़कात के बारे में चीज़ों को देखना। उसके अलावा इफ ऑडिटर रिपोर्ट मेक सच रेफरेंस टू सम अदर रिपोर्ट और स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर वो अपनी रिपोर्ट के अंदर किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट का जिक्र करता है, किसी एक्सपर्ट के नाम का जिक्र करता है, तो फिर उसको वो वाली रिपोर्ट भी अपनी रिपोर्ट के साथ एनेक्स्ट करनी होगी, यानी कि अपनी अपनी रिपोर्ट के साथ उसको भी अटैच करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर वैल्यूएशन हुई है किसी भी कंपनी के अंदर और वैल्यूएशन एक एक्सपर्ट ने आकर की है, तो ऑडिटर के लिए क्या है, IAS 16 के मुताबिक वैल्यूएशन को चेक करना, मगर वो जो एक्सपर्ट है जिसने ये रिपोर्ट दी है कि ये कंपनी की प्रॉपर्टी अब कितने वैल्यू की हो गई है, वो रिपोर्ट वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ अनेक्स्ट करेगा ताकि ये जिम्मेदारी उसके ऊपर ना आए। फिर अगर कोई भी एडिशनल मैटर है तो उसको एसएससीपी जो एसएससीपी है उसको रिपोर्ट करना। अगर कोई क्वालिफिकेशन आ रही है, क्वालिफिकेशन से यहाँ पे मुराद है कि अगर ऐसी ऑडिट रिपोर्ट जिसके अंदर साफ ओपिनियन ना हो तो उसके रीजंस वगैरह बताना,
ऑथराइज पर्सन से रब्ता करना, जनरल मीटिंग में जाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस बनाना, तो ये अगर आप इसमें से कोई सी भी पांच या छह अच्छे तरीके से याद कर लें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। इसके अंदर इतनी गहराई में हमें उतरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें आहिस्ता 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 करके ऑटो पे कवर हो जाएंगी जब हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो करंटली अगर आप इसमें से कोई सी भी पांच छह बातें याद कर लें तो दैट वुड बी सफिशेंट। ड्यूटीज क्लियर हुई? तो हमें एग्जाम फोकस लेके उनको कवर अप करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने इस पेपर को पास भी करना है। फिर कुछ छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं, दो आखिरी पॉइंट्स आज के, कि भाई साहब जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके ऊपर सिग्नेचर किसके होंगे। सबसे पहले तो वो नाम लिखा जाएगा उस ऑडिटर का और एंगेजमेंट पार्टनर का। अब यहाँ पर वो जो भाई ने सवाल किया था कि सर यहाँ पर ऑडिटर से मुराद वो बंदा है, नहीं, ये जो लिखा हुआ ना स्टेट द नेम ऑफ ऑडिटर एंड एंगेजमेंट पार्टनर, इस ऑडिटर का मतलब है कि उस फर्म का। अगर एक फर्म है HCC, अगर वो ऑडिट कर रही है तो यहाँ पर लिखा जाएगा HCC क्योंकि वो ऑडिटर है, और उसके साथ उस एंगेजमेंट पार्टनर का नाम लिखा जाएगा। एंगेजमेंट पार्टनर वो पार्टनर कहलाता है फर्म का जिसके अंडर टीम अपॉइंट हुई हो। अगर अगर एक ऑडिट फर्म है फॉर एग्जांपल XYZN कंपनी और इस ऑडिट फर्म में तीन पार्टनर्स हैं X, Y और Z, तो अपॉइंट तो फर्म ही हुई है। अब ये बात गौर से सुनना, अपॉइंट तो फर्म ही हुई है, यहाँ पर नेम ऑफ ऑडिटर में फर्म का नाम ही आएगा मगर साथ एंगेजमेंट पार्टनर का नाम भी आएगा। एंगेजमेंट पार्टनर कौन है, या एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा, वो पार्टनर जिसने ऑडिट परफॉर्म किया है या जिसकी टीम ने ऑडिट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर हम लोग फर्म का नाम और एंगेजमेंट पार्टनर का नाम मेंशन कर देंगे, फिर ऑडिटर उसको साइन भी करेगा। अब यहाँ पर पार्टनर या तो फर्म के नाम पर साइन होगी या उस पार्टनर के नाम पर साइन होगी, उसको डेट किया जाएगा जिस डेट के ऊपर ये रिपोर्ट बनी, और जहां पर ऑडिट फर्म है, जहां पर ऑडिट फर्म सिचुएट करती है उस जगह का नाम लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर KPMG इस्लामाबाद ने कराची जाकर ऑडिट किया है तो हम लोग इस्लामाबाद का वर्ड यूज करेंगे ना कि कराची का। तो हमने उस जगह का नाम लिखना है जहां पर फर्म सिचुएट करती है, जहां पर फर्म ओरिजिनेट करती है, जहां पर फर्म का मेन ऑफिस है, यानी कि जिस फर्म ने पूरे पाकिस्तान में जहां पर जाकर भी ऑडिट किया हो, जहां से वो ऑडिट करने गई है, उस जगह का नाम वहां पर मेंशन किया जाएगा। ये चार बातों में से किसी का कोई सवाल? मैं एक दफा स्पीडली इसको रिपीट करता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की सिग्नेचर पे। सिग्नेचर में हम लोगों ने कहा कि हम लोग नाम लिखेंगे ऑडिटर का, एंड बाय ऑडिटर वी मीन ऑडिट फर्म। फिर हम लोग एंगेजमेंट पार्टनर का नाम लिखेंगे, अगर XYZ कंपनी ने ऑडिट किया है तो हम लोग लिखेंगे XYZ एंड एंगेजमेंट पार्टनर इज मिस्टर वाई, उसको साइन करेंगे। साइन कौन करेगा, या तो फर्म के नाम पे साइन होगा या उसको एंगेजमेंट पार्टनर का नाम भी वहां पर आ सकता है उसके सिग्नेचर के साथ। फिर डेट होगी और फिर उस जगह का नाम लिखेंगे जहां पर फर्म सिचुएट करती है। तो मैंने आपको ये मिसाल दी कि अगर KPMG इस्लामाबाद ने कराची जाकर ऑडिट परफॉर्म किया है तो हम लोग इस्लामाबाद का नाम ही मेंशन करेंगे, कराची का नाम यहां पर मेंशन नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। आपको पता है कि जो कंपनियां कॉस्टिंग करती हैं, जो कंपनियां प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, उन्होंने अपने कॉस्ट अकाउंट्स भी रखने होते हैं। बिरयानी कंपनी या कोई भी क्लास ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कीप कॉस्ट अकाउंट्स। SCCP मेड डायरेक्ट ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स भी कनेक्टेड इन अ स्पेसिफाइड मैटर। तो वो कंपनियां जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं,
उनके लिए ये लाजमो मंजूम है कि उन्होंने कॉस्ट अकाउंट्स भी मेंटेन करने हैं, ठीक है। और जब वो कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो एससीसीपी ये कहता है कि भाईजान आपने इन कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉपर ऑडिट भी करवाना है, और इनका ऑडिट या तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है या एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकता है, और वो तमाम पावर्स तमाम ड्यूटीज उसको मुहैया कर दी जाएंगी जो कि कंपनीज एक्ट में लिखी हुई हैं और जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कवर अप भी कर ली हैं। तो ये था हमारा आज का एरिया। अब आपके पास टाइम है, आप उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर किसी को कोई भी मसला हो अभी तक। क्या ऑडिटर को ये परमिशन है कि वो किसी भी टाइम बिना इजाजत के जाके अकाउंट्स चेक करे? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऑडिटर के पास फुल राइट हो। पूछें पूछें, ये जितना एरिया हम लोगों ने कवर कर लिया है इतना आप पर तैयार करना आज लाजम हो चुका है, बल्कि जो जो चीजें हम साथ साथ कवर करते जा रहे हैं कोशिश आपने करनी है, कोशिश की आपने इसको यकीन दहाने के साथ जाना है कि आपने उतना कम से कम उस दिन के अंदर कवर अप कर लेना है, वरना एंड के ऊपर चीजें काफी कंपाइल होना शुरू हो जाएंगी आपके, फिर आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। तो कोशिश करनी है कि चीजों को साथ साथ लेकर चलें। ग्रुप के अंदर कोई मसला, कोई मसाइल, कोई चीज समझ ना आ रही हो, कोई लाइन समझ ना आ रही हो तो पूछ लिया करें। ठीक है जनाब, तो यूनिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिट 3 जो के चैप्टर नंबर 1 में है उसका मेरा ख्याल से 3.4 छोड़ के बाकी सारा हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। आप उस यूनिट को देखें, मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में नोट्स भी इसके शेयर कर दूंगा, वैसे मैंने पहले ऊपर शेयर किए हुए हैं, मैं इसको दोबारा से शेयर कर दूंगा। इस एरिया को तैयार करें, पूरे चैप्टर में से ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आईकैप ने इस एरिया में से सवाल लाजमी निकालना होता है, चाहे वो क्रैमिंग बेस निकाले या चाहे वो लॉजिकल एरिया टेस्ट करे। तो जो इसका लॉजिकल वाला एरिया है वो हम लोग कल उसको कवर अप करेंगे, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एरिया था वो मैंने आपको एक ही गो में करवा दिया ताकि आप उसको आज सुकून से बैठ के तैयार कर लें। उसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि अपॉइंटमेंट प्रोसीजर बहुत जरूरी है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बातें, एससीबी कब कब ऑडिटर को अपॉइंट करता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये बातें बहुत जरूरी है। आईकैप उसको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर चुका है। ठीक है गाइस, किसी का कोई सवाल हो तो बताएं वरना हम इसको वाइंड अप करें। ठीक है जनाब, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है, सवाल पोस्ट करते रहा करें और इंटरेक्टिव सेशन के अंदर शामिल हों ताकि चीजें मजीद क्लैरिटी की तरफ जाएं। सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।